भारत कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच अनलॉक 4 की प्रक्रिया से गुजर रहा है। वहीं इसके तहत 5 महीने से अधिक समय के बाद अब चरणबद्ध तरीके से स्कूल खोले जाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने SOP जारी कर दी है। कंटेनमेंट जोन में रहने वाले शिक्षकों या कर्मचारियों को इसके तहत स्कूल जाने की इजाजत नहीं होगी। वहीं जिन स्कूलों का इस्तेमाल क्वारंटाइन सेंटर के रूप में किया गया है, उन्हें आंशिक तौर पर खोले जाने से पहले अच्छी तरह से सैनिटाइज करने का निर्देश है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी SOP में कहा गया है कि ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग की अनुमति जारी रहेगी। स्कूल अधिकतम अपने 50% शिक्षक और गैर शिक्षक स्टाफ को ऑनलाइन टीचिंग, टेलीकाउंसलिंग या इससे जुड़े दूसरे कामों के लिए बुला सकते हैं। 9वीं से 12वीं तक के छात्र अगर अपने शिक्षकों से मार्गदर्शन के लिए स्कूल जाना चाहते हैं तो उन्हें इसकी इजाजत होगी। वहीं इसके लिए उन्हें माता पिता या अभिभावकों से लिखित सहमति लेनी होगी। छात्रों के पास ऑनलाइन पढ़ाई का विकल्प मौजूद रहेगा। स्कूलों में एहतियात उपायों में शिक्षक, कर्मचारी और छात्र शामिल होंगे। इसके अंतर्गत कम से कम 6 फीट की शारीरिक दूरी सुनिश्चित करना, चेहरे को ढकना, बार बार हाथ धोना, श्वसन संबंधी शिष्टाचार का पालन करना है, स्वास्थ्य की निगरानी करना और जगह जगह नहीं थूकना भी SOP में शामिल है। छात्र स्वेच्छा से स्कूल जा सकते हैं। आपको बता दें कि इसके लिए छात्रों पर दबाव नहीं बनाया जा सकता। स्कूल में स्विमिंग पूल बंद रखे जाएंगे। एयर कंडीशन के तापमान को 24 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच ही रखना होगा। आर्द्रता 40-70% के बीच रखनी होगी। क्रॉस वेंटिलेशन और स्वच्छ हवा के लिए भी व्यवस्था करनी होगी। इस तरह से चरणबद्ध तरीके से धीरे धीरे अब स्कूल खोले जा रहे हैं।